नमस्ते गुरु कोलियंस, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ फंक्शंस. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस. ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स. ठीक है बेटा, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक फंक्शन. ओके बेटा, कॉपी पेन निकालें और जल्दी से लिखना स्टार्ट करें. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन. ठीक है बेटा, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ओके बेटा, सपोज वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स विच आर एक्स एंड वाई. ओके, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. देन ए फंक्शन. ठीक है बेटा, नाम क्या दिया मैंने इसे, नाम मैंने दिया इसे एफ का. देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई मीन्स फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई. ओके, रिटर्न एज एफ फ्रॉम एक्स टू वाई. ओके बेटा, ऐसे फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना. लिखते कैसे बेटा इसे, एफ. ठीक है, सच दैट. ओके, दो बिंदु को साइन होता है ना, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई. और इन सम बुक्स यू विल फाइंड दिस सिंबल लाइक दिस एक्स टू वाई, इसके ऊपर क्या डालेंगे, एफ, ऐसे छोटा सा बनाकर. ठीक है, तो बेटा सिंबल फ्रॉम सिंबल ऑफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, इज दिस. लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. देन ए फंक्शन. ठीक है, देन ए फंक्शन, नाम क्या बेटा इसका, एफ. देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई. ठीक है, लिखे आप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल बाय विच ईच या एवरी. ठीक है, ईच एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. ठीक है बेटा, दिस स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. ओके, ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज यूनिकली. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, इन पर ध्यान दे बेटा. ठीक है ना, आपको फंक्शन का डेफिनेशन ढंग से पढ़ना है. ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज. ठीक है, ड्यूरिंग द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक विच. ठीक है, ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज यूनिकली कनेक्टेड टू ए या टू एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई. ओके बेटा, ठीक है, दिस वाई बिलोंग्स टू वाई. ठीक है, दिस वाई बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स अंडर एफ. सही है बेटा, वी विल कॉल. ठीक है ना, कि दिस वाई बिलोंग्स टू वाई इज द इमेज ऑफ. ठीक है, इमेज ऑफ स्मॉल एक्स अंडर एफ, यानी जो मेरा वाई है स्मॉल वाई क्या होगा, स्मॉल एक्स का इमेज होगा, है ना. एंड एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई, है ना. वाई को बोलेंगे एक्स का इमेज और एक्स को क्या बोलेंगे भाई, वाई का प्री इमेज. ठीक है, एंड वी विल राइट हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x और दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू f. ठीक है बेटा, दिस ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू f. सो बेटा, ठीक है, ऑब्जर्व दिस डेफिनेशन केयरफुली, है ना. जो सारा खेल आगेगा बेटा, वो सारा का सारा खेल आपका, है ना, इस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो आप, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ें. एक बार फिर से दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना, विच आर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, है ना. देन ए फंक्शन एफ इज ए रूल फॉर, है ना, आपका जो एफ होगा वो क्या होगा बेटा, जो फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई होगा वो क्या होगा, एक रूल होगा, है ना.
इज ए रूल बाय विच, जिस रूल के द्वारा, जिस रूल के थ्रू, बाय विच ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वो सभी एलिमेंट जो किसमें है कैपिटल एक्स में है ना, इज यूनिकली कनेक्टेड, यानी बेटे आपके कैपिटल एक्स सेट के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई से यूनिकली कनेक्टेड हो जाएंगे है ना थ्रू दिस रूल. ओके, दिस वाई बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है, एंड एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई, ओके अंडर एफ. ओके बेटा, जो वाई होगा वो एक्स का इमेज होगा, और एक्स को, एक्स को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ वाई. ओके, तो इस बात को लिखेंगे कैसे है ना, ऐसे लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ है ना, तो ध्यान रखें बेटा, ठीक है, इसके बाद आप लिखें. अच्छा, इसके बाद मैं डिफाइन करूँगा फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. आपको पता लगा कि जो फंक्शन एक्चुअल में क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई. ओके बेटा, इन्हें साथ साथ ही आप नोट करते रहें. ओके बेटा, नाउ राइट डाउन, राइट डाउन, ठीक है, इफ एफ इज ए फंक्शन, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है ना. बट बेटा ध्यान रखें कि बोथ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई सेट आर नॉन एम्प्टी सेट्स है ना, नॉन एम्प्टी सेट होंगे बेटा. एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है ना, दैट मीन्स एफ फ्रॉम एक्स टू वाई. ओके, देन दिस सेट बेटा, दिस सेट कैपिटल एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ. इस कैपिटल एक्स को मैं क्या बोलूंगा बेटा, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए फंक्शन है ना. तो ये जो आपका जो कैपिटल एक्स होगा बेटा, दिस कैपिटल एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन है ना. अब डोमेन क्या बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ. या यूँ बोल सकते हैं कि इनपुट जो भी आप कर रहे हैं एक्स है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट है ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फंक्शन एफ, ठीक है बेटा. पहले आप लिखें दिस, देन दिस सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, एंड कैपिटल वाई, दिस सेट कैपिटल वाई इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, ठीक है बेटा. एंड दिस सेट, ठीक है बेटा, लिसन लिसन केयरफुली, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स मीन्स बेटा इमेज ऑफ एक्स. यहां पे स्मॉल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स का एक एलिमेंट, कैपिटल एक्स का एक एलिमेंट, ठीक है बेटा. तो एफ एक्स इमेज ऑफ स्मॉल एक्स अंडर एफ है ना बेटा. ये क्या है, ये पूरे के पूरे सेट का इमेज है, ठीक है, पूरे के पूरे सेट का इमेज. फिलहाल आप बेटा नोट डाउन करते रहें है ना, आफ्टर दिस आई विल गिव यू एग्जांपल है ना, उसके थ्रू आपको आई थिंक ज़्यादा कंसेप्ट में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है. तो बेटा राइट डाउन द सेट कैपिटल एक्स, एफ ऑफ कैपिटल एक्स मतलब पूरे पूरे बड़े एक्स का सेट का इमेज है ना, मतलब एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इमेज निकाल लो, ठीक है, अंडर एफ. एंड द सेट एफ एक्स है ना, वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है बेटा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, उन सभी वाई का कलेक्शन जिनके लिए वाई कैसा होगा, किसी न किसी एक्स का क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स वाई का कलेक्शन, ठीक है, जो कहाँ से आएंगे, कैपिटल वाई से, और जो कि किसी न किसी एक्स के क्या बन रहे होंगे, इमेज, ठीक है. दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, एफ, ठीक है बेटा,
images, set of all f images of the elements of x is called the range of f. ओके बेटा, अब दोबारा एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ठीक है बेटा, लिसन केयरफुली बिकॉज दीज डेफिनेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, और अगर आप किसी ध्यान से नहीं समझेंगे बेटा तो फिर शायद अगले टॉपिक जो होंगे आपके, है ना, आप उसको अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे. पहले सुने आप ध्यान से. मान लो बेटा f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y वेयर x एंड y आर नॉन एम्प्टी सेट्स. ओके, देन दिस x इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस y इज कॉल्ड कोडोमेन. ओके, ऑफ द फंक्शन f. और अगर मैं इस पूरे सेट का क्या निकालूं, इमेज, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, मान लो एलिमेंट कौन से हैं, x1, x2, x3, x4, तो f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x1, x4, ठीक है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट्स का इमेज निकाल दूं, नाम क्या दिया, f ऑफ कैपिटल x, सेट ऑफ ऑल f इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ x इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f, है ना. देखो एफ एक्स, है ना, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, y से आएंगे, तो आपको ये बात तो कन्फर्म होगी ना कि दिस सेट, मतलब ये सेट कौन सा है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. सही है, नोट रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f. ओके बेटा, राइट डाउन दिस. ओके, बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या है, ये सब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो राइट डाउन दिस एग्जांपल. लेट f बी ए फंक्शन, f बी ए फंक्शन फ्रॉम n टू n, फ्रॉम n टू n, है ना, n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेटा, n मीन्स हेयर कैपिटल n रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, ठीक है, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आई ई एफ फ्रॉम n टू n, ठीक है बेटा, f फ्रॉम n टू n, सही है, अच्छा, गिवन बाय, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस टू. एफ एक्स क्या बेटा, आपका x प्लस टू, ठीक है, तो बेटा आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है ना. अच्छा, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, बेटे फंक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी आपका रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स. अब आप देखें, इसके बाद और क्लैरिटी से पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिफ्रेंशिएट करें डोमेन, रेंज, कोडोमेन में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलता रहेगा बेटा, ये भी सही बात है. तो आपने पहले क्या करा, एक्स को बेटे, अपना एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से, और वाई कहाँ से आएगा, यहाँ से, सही है, एक्स यहाँ से और वाई यहाँ से, इनपुट यानी कि एक्स, आउटपुट यानी कि वाई, है ना, तो आप एक्स को पहले वन पुट करें, तो बेटा वन कहाँ पर जाएगा, आप वन पुट करें ना, जहाँ जहाँ एक्स, आप क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, वन प्लस टू बेटा क्या बन गया, थ्री, फिर आप एफ ऑफ टू निकाल लें, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, बेटे टू जाएगा फोर पर, थ्री जाएगा फाइव पर, फोर जाएगा सिक्स पर, एंड सो ऑन, है ना, ये जो आपका प्रोसेस है वो चलता रहेगा, ठीक है, फाइव जाएगा सेवन पर, सिक्स जाएगा एट पर, ये बात सही है. ओके बेटा, है ना, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है. तो बेटा मैंने क्या बोला था, हाँ, अगेन
एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, या फिर एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए फंक्शन. इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए फंक्शन देन दिस एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस वाई इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ. बेटा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है, दिस एन रिप्रेजेंट्स द डोमेन एंड दिस एन रिप्रेजेंट्स द कोडोमेन. ओके, तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या बन गया बेटा, 1 2 3 है ना, सारा बन गया, यानी के एन. एंड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू 1 2 3 सारा मींस एन, है ना. दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन. एफ फ्रॉम एन टू एन, एन डोमेन और दूसरा एन क्या होगा बेटा, कोडोमेन. ये अलग बात है, दोनों ही क्या है, एन. ठीक है, दिस एन इज कॉल्ड डोमेन, दिस एन इज कॉल्ड कोडोमेन. मतलब जो पुट, जो एलिमेंट पुट करेंगे एक्स के एक्स जगह पर वो डोमेन में से आएगा. ठीक है, और जो एलिमेंट, ठीक है, निकल कर आएगा बेटा वो आएगा रेंज में से, है ना. और रेंज कहाँ से आएगी बेटा, कोर डोमेन में से. एफ फ्रॉम एन टू एन, दिस एज एन इज डोमेन, दिस एन इज कोर डोमेन, है ना. अब बात करते हैं बेटा रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन एफ, फंक्शन एफ बेटा फंक्शन का रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन. ठीक है, आप डेफिनेशन चेक करें रेंज का. ठीक है, क्या था, सेट ऑफ ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, सेट ऑफ ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई फॉर विच वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. जो वाई किसी ना किसी एक्स का क्या हो, इमेज है ना, किन्हीं एक्स की वो इमेज बन रहा होगा. जैसे ये है 3 इमेज बन रहा है 1 का, 4 इमेज बन रहा है 2 का, 5 इमेज बन रहा है 3 का, है ना. तो क्या आएगा 3 4 5 6. बेटा ये देखो, 2 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन एक्स, ये कैपिटल एन. ठीक है, क्योंकि 2 किसी का इमेज तो है ही नहीं और 1 भी क्या किसी का इमेज नहीं है. तो ये एन पूरा, एफ फ्रॉम एन टू एन मैंने कहा एन क्या है, कोडोमेन. लेकिन रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी बेटा, यहाँ से 3 4 5 6 चलता रहेगा ऐसे. ठीक है, ओके बेटा, तो ये फर्क है बेटा आपका डोमेन और कोडोमेन का. ठीक है, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ. ओके, अगर मैं सिर्फ एक लाइन में कहूँ कि व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, बेटा डोमेन मीन्स इनपुट, रेंज मीन्स आउटपुट. ओके, डोमेन मीन्स इनपुट एंड रेंज मीन्स आउटपुट. ओके, बेटा नोट डाउन वन अनदर पॉइंट. ठीक है, इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए फंक्शन. ठीक है, इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए फंक्शन. ठीक है, डिफाइंड बाय द फॉर्मूला, डिफाइंड बाय फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है बेटा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स. ठीक है, और ध्यान रखिए बेटा x कहाँ से है, x से, और y कहाँ से है, y से. सही है, देन x बिलोंग्स टू x. ठीक है, इज कॉल्ड, या देन x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सही है बात. एंड बेटा स्मॉल वाई, ठीक है, इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन एफ. ठीक है बेटा, इफ ए फंक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू एफ एक्स देन बेटा जो एक्स है आपका स्मॉल एक्स उसे क्या बोलेंगे. ठीक है, एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, वेरिएबल. एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अच्छा यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम योर रियल लाइफ, है ना. आप अपने रियल लाइफ से भी फंक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं. कैसे भाई, सपोज वी हैव ए
जूसर मशीन, ओके। हमारे पास बेटा एक जूस निकालने वाली मशीन है, ओके। देखो बेटा कुछ भी, सपोज हमारे पास कुछ भी है, एक मशीन है ना, ओके। बेटा सपोज मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन किसका काम कर रही है, फंक्शन का काम कर रही है, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज आप इसमें कुछ ना कुछ फ्रूट डाल रहे हैं, है ना बेटा। मशीन में क्या करेंगे, जूस निकालने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको जूस निकालने के लिए इसमें कुछ ना कुछ इनपुट तो डालना पड़ेगा ना। सपोज मैंने क्या डाल दिया, मैंने कुछ इसमें फ्रूट डाल दिए, है ना, फ्रूट, ठीक है। और बेटा ये मशीन आपकी, ये मशीन आपका काम करेगी फंक्शन का, है ना। फ्रूट मतलब इनपुट, यानी एक्स की वैल्यूज आपने पुट करी, निकल कर क्या आएगा, निकल के आएगा वाई की वैल्यू, यानी मेरा जूस निकल कर आएगा, सही है बात। तो मेरा जूस क्या हो गया बेटा, आउटपुट हो गया, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इनपुट, है ना। फ्रूट क्या हुआ, इनपुट, और जूस क्या हुआ, आउटपुट, है ना। अब फ्रूट को, है ना, जूस बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, इस मशीन का, है ना, जूसर मशीन का हमने यूज़ किया, जूसर मिक्सर का जो भी है, ठीक है। तो ये बेटा किसका काम कर रहा है, ये बेटा आपका काम कर रहा है फंक्शन का, ओके। सिमिलरली यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ए, जैसे आप चक्की का एग्जांपल ले सकते हैं ना, आटा पीसने वाली चक्की, गेहूँ पीसने वाली, सॉरी, ठीक है। आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें गेहूँ के दाने डालेंगे, तो बेटा वो क्या होगा, आपका इनपुट, है ना, यानी जो एक्स आप पुट करते हैं ना, वैल्यू एक्स की, वो है वो, ठीक है। और आपने मशीन में डाली, मशीन ने अपना काम किया, है ना। मशीन क्या है, फंक्शन एफ है मेरा, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वाई आएगा आउटपुट, है ना। और वो क्या आएगा, आपका आटा आ जाएगा ना, ठीक है, ओके बेटा। तो आप अपने रियल लाइफ से भी फंक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, आई थिंक दिस इज इनफ, ओके। इसके बाद इसमें और क्लैरिटी से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इसे नोट करते रहिए, अच्छा लिखिए बेटा आप, ठीक है। फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, सही है। अरे अगेन, फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। बस आपका काम केवल इतना है कि जो मैंने आपको फंक्शन का डेफिनेशन लिखवाया है बेटा, आप उसे ध्यान से अपने दिमाग में रखना, ठीक है, कि डेफिनेशन का वन वन पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, है ना, कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आया था, ओके। उसका अभी हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। लेट, अच्छा ठीक है, लेट वी हैव टू नोन एम्प्टी सेट, ओके। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके। देन ए स्पेशल रिलेशन, ठीक है, या देन ए रिलेशन एफ, देन ए रिलेशन एफ, ओके, फ्रॉम एक्स टू वाई, सही बात है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, इज ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना, इसका मतलब क्या था बेटा, दैट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, है ना। ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए सबसेट ऑफ देयर कार्टिजन प्रोडक्ट, मतलब जो आपका कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई तक क्या होगा रिलेशन, वो क्या होगा, वो एक सबसेट होगा बेटे किसका, रिलेशन आर का, ठीक है। तो दैट मीन्स एफ इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, क्या ये बात सही है बेटा, है ना। दैट मीन्स एफ इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज
ठीक है, कॉल्ड ए इज कॉल्ड ए फंक्शन, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या फिर यूं कहें इफ फॉर ईच, इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ, ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखना ईच का और ये यूनिक का, मैं बार बार ईच और यूनिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं आपके कैपिटल एक्स में, ठीक है, जितने भी स्मॉल एक्स हैं, ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई वाई पक्का पड़ा होगा जो कैसा होगा, यूनिक, कहाँ पे, कैपिटल वाई में, ठीक है, कि सच दैट दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग्स टू रिलेशन एफ, है ना। तो बेटा ये आपका जो फंक्शन है ना एक्चुअल में क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है ना, स्पेशल टाइप का क्या है रिलेशन, जिसमें, ठीक है, जिसमें x के सभी पॉइंट्स का, ठीक है, कोई ना कोई यूनिक इमेज कहाँ मिलेगा आपको, y के अंदर, ठीक है। तो यू कैन टेक एग्जांपल, ओके बेटा, सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट कौन से, ए बी सी डी, 1 2 3 4, सही है, सही है। और सपोज ऐसे, बस आप सुनते रहे ध्यान से, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे फर्स्ट टाइम फंक्शन पढ़ते हैं तो उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है पक्का, ठीक है, और जैसे जैसे हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और जैसे जैसे हम बेटे हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उनके डाउट्स दिन पर दिन दूर होते चले जाते हैं, ठीक है, और एंड में आता है उनका फंक्शन चैप्टर के ऊपर पकड़ बड़ा अच्छा बन जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, ठीक है, अच्छा, ठीक है, हेयर, ठीक है बेटा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज रिलेशन एफ, है ना, ये क्या बेटा आपका रिलेशन है, ठीक है, क्या ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा क्या, ठीक है, अगर आप फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ते बेटा, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाता, टू ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ पे एक्स ये है, वाई ये है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई, है ना। तो बेटा आप ये देखिए, एफ ऑफ ए आपका क्या है, 1, आपका एफ ऑफ ए क्या है, 2, है ना, यानी ए का एक इमेज तो आ रहा है 1 और दूसरा इमेज क्या आ रहा है, 2, क्या ए का इमेज यूनिक है अंडर एफ, है ना। सो बेटा रिलेशन तो है, ये आपका रिलेशन तो है, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये आपका ए से बी तक कोई ना कोई रिलेशन तो गारंटीड बन रहा है, ठीक है, लेकिन बट, ठीक है बेटा, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन, एज दिस एफ इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, एज इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज नॉट यूनिक। बेटा ये बात सही है, बेटा एक बार ए का इमेज क्या रहा है 1, एक बार इमेज क्या रहा है 2, है ना, तो बेटा इमेज तो यूनिक है ही नहीं इसका, तो फिर क्या हुआ, फंक्शन का डेफिनेशन रॉन्ग हो गया, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज, ठीक है, इन वाई, ओके। अच्छा यहाँ देखें आप, अच्छा हम पढ़ चुके हैं ना कि वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशन, ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशन, ठीक है, एज एन एरो डायग्राम, हम एरो डायग्राम बनाकर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा रिलेशन तो है बट इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ओके। तो आप ये देखिए, अब सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा चलो ये इस पर गया,
है ना, इज दिस रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी कैन रिप्रेजेंट ए फंक्शन। ठीक है बेटा, ए से बी तक रिलेशन कौन सा है, एफ। तो बेटा क्या ये रिलेशन किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा? यस, नाउ इट इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। ठीक है ना, ए का एक इमेज है 1, बी का एक इमेज है 2, सी का एक इमेज है 3, डी का एक इमेज है 4। मैंने ये कहीं नहीं कहा आपको कि इसका कोई ना कोई प्री इमेज भी यहाँ होना चाहिए, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई मस्ट हैव ए यूनिक प्री इमेज। मैंने ये बात कहाँ कही आपको? मैंने कहा वो एलिमेंट जो एक्स में है उनका इमेज यूनिक होगा, ना कि इनका प्री इमेज यूनिक होगा, है ना। इनका प्री इमेज तो यूनिक ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता हो ही ना। ठीक है, सो ये क्या है, फंक्शन। ठीक है, यस इट इज ए फंक्शन। ओके बेटा, लुक एट अनदर एग्जांपल, ए बी सी 1 2 3 4। ठीक है, और चलो सपोज मेरे पास ये है। ठीक है बेटा, कैन दिस रिलेशन फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंट ए फंक्शन? क्या ये रिलेशन किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? बेटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंस इमेज ऑफ डी इज नॉट डिफाइंड और डी doesn't have any image in B, है ना। बेटा इस एलिमेंट का कोई इमेज तो है ही नहीं है। आप दोबारा डेफिनेशन पढ़े हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ईच x belongs to x, जितने भी एलिमेंट है आपके x में जो कि क्या है, डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट का कोई ना कोई यूनिक इमेज पक्का आएगा। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर क्या हुआ, इसका कोई भी इमेज नहीं आया। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, दिस रिलेशन, ठीक है, कैन नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। बेटा ये आपका रिलेशन तो हो सकता है ना, रिलेशन तो हो सकता है बट इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, ऐसे आप रीजन ये देंगे, ओके बेटा। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हो मैंने, ओके तो चलो ई ले लो, एक एलिमेंट और ले लो ई। ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, है ना, क्लियरली बेटा, है ना। इट रिप्रेजेंट्स सम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये कोई ना कोई गारंटेड रिलेशन तो बनेगा ए से बी तक, है ना। क्या ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, है बेटा, क्या ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? यस इट इज ए फंक्शन। अब बच्चों को लगेगा कि ये फंक्शन नहीं है, यूनिकनेस खत्म होगी। आप दोबारा डेफिनेशन पढ़ें, आपने डेफिनेशन ढंग से अब तक पढ़ा ही नहीं आई थिंक। ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन क्या था, टू, ठीक है ना, ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, ठीक है, ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज यूनिकली कनेक्टेड, इज यूनिकली कनेक्टेड टू सम एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई। क्या यहां पर है? अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर यूनिकनेस कहाँ पर है? अरे बिल्कुल यूनिकनेस है, यूनिकनेस उस तरफ से नहीं है, यूनिकनेस है इस तरफ से, एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज क्या होगा, यूनिक। मैंने ये नहीं कहा कि इनका, इन एलिमेंट्स का प्री इमेज कैसा होगा, यूनिक, मैंने तो ये तो बोला ही नहीं मैंने। ठीक है, आप ये देखें, ए का क्या ए के दो इमेज हैं, है ना, नहीं, ए का सिर्फ एक इमेज है जो क्या है, 1। क्या बी के दो इमेज है, है ना, नहीं, बी का एक इमेज है 1। भाई ए का भी एक ही इमेज है 1, बी का भी 1 इमेज, एक ही इमेज है 1, ये अलग बात है ना, दिस इज डिफरेंट थिंग दैट
वन हैज टू प्री इमेज, वन हैज टू प्री इमेज, लेकिन प्री इमेज का यूनिकनेस कहाँ डिफाइन किया फंक्शन ने मैंने, मैंने तो केवल बात करी थी जो एलिमेंट एक्स में होंगे उनका इमेज यूनिक आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो ए का एक ही इमेज तो आया है वन, दूसरा इमेज कहाँ पर है ही नहीं, बी का इमेज क्या है वन, सी का इमेज क्या है थ्री, डी का इमेज क्या है, अच्छा सी का इमेज टू सॉरी, ठीक है डी का इमेज थ्री और ई का इमेज क्या है भाई फोर। भाई हर एलिमेंट का जो इधर पड़े हैं उनका एक ही इमेज है, ये अलग बात है कि वन का प्री इमेज यूनिक नहीं है तभी फंक्शन होगा। आपके प्री इमेज तो कितने हो सकते हैं जो एलिमेंट कहाँ है को डोमेन में, ठीक है, लेकिन जो डोमेन जो एलिमेंट कहाँ है डोमेन में उनके इमेज बेटा कैसे होंगे यूनिक, ठीक है। तो यस इट इज़ ए फंक्शन, ठीक है इट इज़ ए फंक्शन, सही है। अब आप ये देखें बेटे क्या ये फंक्शन है, यस स्टिल इट इज ए फंक्शन। अरे मैंने ये कब कहा वन के प्री इमेज यूनिक यूनिक होना चाहिए, मैंने कहा था एक ए में जितने एलिमेंट हैं डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सब का कोई ना कोई यूनिक इमेज बनना चाहिए। ए का कितने इमेज हैं एक दो या तीन, ए का एक इमेज है वन, बी के कितने इमेज हैं वन, सी का कितना इमेज है वन, है ना। तो ठीक है ए का इमेज कैसा है एक, बी का इमेज कैसा है एक, है ना, और डी के कितने इमेज हैं एक जो कि है दो, ठीक है, और ई के कितने इमेज हैं एक जो कि है दो, ठीक है। ये अलग बात है कि फंक्शन यहाँ पर जो एलिमेंट है उनके प्री इमेज कैसे हैं यूनिक नहीं है, ठीक है तभी फंक्शन होगा बेटा। ये देखो ऐसा तो हो सकता है, एक मिनट आप दोबारा देखें, यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर ठीक है व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा डाउट पूछने वाले हैं मेरे से आई थिंक, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन तो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं बच्चे, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। अच्छा अब ये देखें बेटा इन दिस केस, ठीक है क्या होगा देखो, ऐसा हो सकता है, ठीक है कैसे ऐसा हो तो फंक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो तो बेटा फंक्शन नहीं हो सकता, ऐसे में फंक्शन नहीं बन सकता, ऐसे में फंक्शन बन सकता है, सही है। बस आप ध्यान रखें सभी एलिमेंट का कोई ना कोई यूनिक इमेज आना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी एलिमेंट का कोई भी इमेज ना आए, ओके। ओके बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है बेटा हाउ टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन, हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है बेटा सुनना पड़े ध्यान से, ठीक है लिसन केयरफुली, ठीक है लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन, ठीक है मान लो आपका ए क्या है वन टू थ्री फोर, सही है बेटे बी क्या आपका फोर, ठीक है फाइव सिक्स सेवन, मान लो ये आपका सेट ए है और ये सेट आपका बी है बेटा, ओके। अगर सुनो अगर मैं फंक्शन को दिखाऊँ ऐसे, ठीक है कैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है मतलब फंक्शन को मैंने इस रूल के थ्रू डिफाइन किया है ना, फंक्शन को मैंने इस रूल के थ्रू डिफाइन किया है, ठीक है जिसमें मैंने क्या किया एक्स और वाई के बीच में क्या कराएगा रिलेशनशिप निकाल लिया, सही है। तो आप ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें आप, ठीक है आप फंक्शन को अगर ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा आप पहले वन पुट करें, ठीक है वन पुट करें, ठीक है x कहाँ से आएगा a में से, y कहाँ से आएगा b में से, सही है आप पहले वन पुट करें वैल्यू कितनी आएगी चार, ठीक है
तो बेटा वन पे इमेज क्या आया, चार, ठीक है। मैंने क्या कहा था बेटा आपको, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, इस बात का मतलब क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये एक्स ये वाई, ठीक है। एक्स क्या है, प्री इमेज ऑफ वाई, और वाई कौन है, इमेज ऑफ एक्स, ओके। वन फोर, टू पुट करें बेटा यहां पर, टू पुट करें क्या वैल्यू आएगा, फाइव। थ्री पुट करें, सिक्स। बेटा फोर पुट करें, सेवन। क्या बात सही है ये, ठीक है। तो बेटा फंक्शन को हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये फंक्शन का कौन सा फॉर्म है बेटा, ठीक है, ये है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, है ना, ये आपके बेटा है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। आप फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है। और यहां देखिए बेटा आप, सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ओके। तो वन टू थ्री फोर, फोर फाइव सिक्स सेवन, है ना बेटा। वन किस पे जाएगा, फोर पे, टू जाएगा फाइव पे, थ्री जाएगा सिक्स पे, फोर जाएगा सेवन पे, ठीक है। तो यानी जब हम फंक्शन को बेटे ऐसे एरो डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसे बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं, मैपिंग, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये ओल्ड पेयर फॉर्म ऑफ, ठीक है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, ये कौन सा बेटा, मैपिंग, मैपिंग मेथड, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ मैपिंग, ठीक है, ऐसे करें, इन द फॉर्म ऑफ मैपिंग। आपने फंक्शन को एज ए मैपिंग डिफाइन किया, ठीक है, एरो डायग्राम जो होता है ना बेटा उसे बोलते हैं, ठीक है, मैपिंग डिफाइन किया या ओल्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और यहां आपने इस फंक्शन को, यहां आपने इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया, बाय यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है, इसे लिखिए, बाय अलजेब्रिक, ठीक है, बाय अलजेब्रिक मेथड, या फिर चलो यही लिखें, ठीक है। बेटे देखो फंक्शन को आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना, यू कैन रिप्रेजेंट ए फंक्शन इन थ्री वेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय डिफाइनिंग ए रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड, ठीक है, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल वाई, ठीक है, बाय यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है, या फॉर्मूला कर दें यहाँ पर, फॉर्मूला, सही है। एंड इफ यू रिप्रेजेंट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एरो डायग्राम, ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड मैपिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। एंड इफ यू रिप्रेजेंट दिस, ठीक है, अब बेटा क्या बन गया, ये सबसेट बन गया ना ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो मतलब हेयर वी रिप्रेजेंट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये तरीके बेटा किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के, सही है। ओके बेटा, नाउ लिसन, ठीक है, नाउ लिसन, व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, आप किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो बेटा फंक्शन को आपने रिप्रेजेंट किया कैसे, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, है ना। मान लो बेटा मेरा फंक्शन ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। बेटा आप क्या करेंगे, वन बाय वन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x टू गेट द वैल्यू ऑफ y। आप वन बाय वन x का वैल्यू पुट करते रहेंगे और आपको क्या होगा, आपको y का वैल्यू मिलता रहेगा, सही है। तो बेटा आप क्या करेंगे उसे, है ना, एज एन ओल्ड पेयर, सपोज मैंने एक्स को पुट किया वन, एक्स को पुट किया वन, वाई क्या आएगा, सिक्स, तो एक्स वन और वाई सिक्स यहाँ कहीं होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को ऐसे जितने भी पॉइंट आ सकते हैं, है ना, अंदाज़ा लगाने के लिए पाँच या छः पॉइंट या जितने पॉइंट लेकर क्या करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, है ना। यानी आप फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, वन बाय वन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वन बाय वन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एंड प्लॉट द वैल्यू ऑफ वाई अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की वैल्यू को एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, या कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या करेंगे आप, ठीक है, ड्रॉ करते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, आपको फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। यानी आप फंक्शन ग्राफ को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन लिखिए आप, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए फंक्शन, ठीक है बेटा, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए फंक्शन, देन द ग्राफ ऑफ, ठीक है, द फंक्शन एफ, ठीक है बेटा, कैन बी डिफाइंड एज, या कैन बी, ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ इज द सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ठीक है ना, और सबसेट कैसा होगा बेटा इसका, ऐसा होगा, ठीक है, अगेन फिर से वही, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है बेटा, आपका एक्स कहाँ से है, कैपिटल एक्स से, वाई कहाँ से, कैपिटल वाई से, ठीक है। यदि आप इस, ठीक है ना, इस फंक्शन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, है ना, वन बाय वन क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू मिलता रहेगा, ठीक है आपको, और जब आप उन ऑर्डर पेयर्स को क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे, है ना, तो आपको क्या होगा बेटा, आपको फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा, सही है। ओके बेटा, आई होप कि आपको जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है बेटे, आप फंक्शन के डेफिनेशन पे ध्यान दें, ठीक है, और इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है ना, हम थोड़ा सा फंक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।